Assalamu alaikum and hi everyone, this is Ali from AWP Exotica back with another banging video for you guys. आज का ये सारा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को कुछ फ्रेमिंग के बारे में बताना है कि फ्रेम किस तरह से किया जाता है. मेरे फ्रेमिंग प्रोसेस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर वन इज द हेडरूम एंड नंबर टू इज द लीड रूम. तो आज इन दो रूम्स के बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट इज़ द हेडरूम, कि हेडरूम को कैसे एडजस्ट करना है आपने अपनी वीडियोस के लिए. एंड द सेकंड इज़ द लीड रूम. ये दो चीज़ें आप लोग मास्टर कर लें एंड योर वीडियोस आर गोइंग टू लुक रियली अमेजिंग, ट्रस्ट मी. स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू गाइस आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लीव अ लाइक एंड टर्न ऑन दोज बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द गुड स्टफ. बहुत ही प्यारा मौसम है. आई एम राइट हियर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ सेंट्रल पार्क, जहाँ पे मेरी टाट की कुछ वीडियोज़ बनी हैं, जिसमें मैं DJI Mini 1 का रिव्यू लेके आया था, हाउ टू फ्लाई दैट ड्रोन एंड ऑल. सेम जगह है, सेम प्लेस है, एंड आई एम राइट हियर, यू नो, वर्किंग विद यू गाइज. तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट यू स्ट्रेट इनसाइड द वीडियो. कमिंग अप. ऑलराइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडरूम की. हेडरूम क्या स्पेस है? हेडरूम इज द स्पेस फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड टू द टॉप ऑफ द फ्रेम. ये जो स्पेस है, इस चीज़ को हेडरूम कहा जाता है. अब इसके साथ कैसे खेलना है? खेलना मिलना नहीं है. हेडरूम प्रॉपर रखेंगे तो आपकी वीडियो का फ्रेम खूबसूरत बनेगा. फ्रेम इज गोइंग टू लुक मोर सिक्वेंशियल एंड मोर प्रोफेशनली शॉट. अगर हेडरूम आप बहुत ज़्यादा दे देंगे, जैसे कि मैं यहीं पे आपको एग्जांपल देता हूँ, इफ़ आई लोअर माय हेड डाउन, मैं अभी सब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ, सो माय चिन इज़ ऑलमोस्ट टचिंग द लोअर पोर्शन ऑफ द फ्रेम जो कि यहाँ पे है, तो द शॉट इज़ नॉट गोइंग टू लुक अमेजिंग, शॉट इज़ नॉट गोइंग टू लुक बैलेंस्ड. उसकी वजह ये है कि द स्पेस बिटवीन माई हेड एंड द टॉप ऑफ द फ्रेम हैज़ इंक्रीज टू मच, मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इट्स गोना लुक ऑफुल, ट्रस्ट मी. और अगर मैं हेडरूम कम कर देता हूँ, आई राइज माई सेल्फ अप, और यहाँ से आप लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, तो सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइंग अगेन. मैं ऊपर की जानब स्पेस कम दे रहा हूँ, जिसकी वजह से शॉट इज़ लुकिंग कंजेस्टेड और बुरी लग रही है. तो प्रॉपर हेडरूम इज़ एसेंशियल. अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का हेडरूम देने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए और स्पॉट ऑन हो, तो ग्रिड लाइन्स ऑन करें. उसमें जो टॉप वाली ग्रिड लाइन है, उस पे जो भी सब्जेक्ट आप शूट करें, उसकी आंखों को रखें. यू विल गेट द परफेक्ट हेड स्पेस, ट्रस्ट मी. बाद में शुक्रिया अदा कीजिएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप फॉर यू गाइस इज टू टेक केयर ऑफ द लीड रूम. अब लीड रूम की बात कर लेते हैं. लीड रूम है क्या? लीड रूम वो स्पेस है जो आपके सब्जेक्ट के आगे या पीछे अवेलेबल है फ्रेम के अंदर. इन माई सिनारियो दीज टू आर द लीड रूम्स. अब हो क्या रहा है कि मैं फ्रेम के सेंटर में हूँ, तो मेरे लिए लेफ्ट या राइट इक्विडिस्टेंट लीड रूम्स हैं. बट If I change my direction and start looking towards one of particular sides, तो मेरे सामने जो space available है frame के end तक, that is known as the lead room. इसी तरह अगर मैं position change करता हूँ, I'm looking from this position to my right side, तो मेरा जो front बनता है till the end of the frame, that is known as the lead room. तो lead room का आपने ख्याल रखना है. इसमें सिर्फ एक चीज़ ख्याल रखने वाली है जब आप लीड रूम का सही से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, करना चाहते हैं, वो ये है कि जिस डायरेक्शन में आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपने लीड रूम रखना है. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम मूविंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द फ्रेम टू दैट पार्ट ऑफ द फ्रेम, तो अगर मैं मूव कर रहा हूँ, तो फ्रेम में आपने लीड रूम इस जगह पर रखना है. यानी यू नीड टू गिव स्पेस इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट, ताकि वो एक शॉट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस आ सके और डायरेक्शन का एलिमेंट व्यूअर के लिए गुम ना हो जाए और वो डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सके सिक्वेंशली. तो ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत ज़रूरी हैं. इसी तरह अगर फ्रेम के अंदर हम जस्ट ना पिक माई मोबाइल फ़ोन आप, और ये मैंने मोबाइल फ़ोन पकड़ा है फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम लाइक टर्न टूवर्ड्स दिस साइड, और यहाँ मैं खड़ा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फ्रेमिंग दैट आई हैव, और मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जो लीड रूम है वो मेरे पीछे बन रहा है. दिस इज़ द लीड रूम पोर्शन जो कि जो शॉट लेने वाला है वो देने की कोशिश कर रहा है. दिस लुक्स वेरी यू नो स्टूपिड और बहुत ही एमेच्योरिश किस्म की लुक देता है ये. यानी मैं देख इधर रहा हूँ, मेरी ओरिएंटेशन इस तरफ है, फ्रेम की ओरिएंटेशन इस तरफ होनी चाहिए, मुझे लीड रूम इस तरफ मिलना चाहिए या देना चाहिए अपने आप को. हाउएवर मैंने इस तरफ दे दिया, ठीक है. इसी तरह अगर इस साइड पे खड़े होके सेलफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं लीड रूम को फिर शिफ्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स माय रियर. तो लीड रूम को आपने सब्जेक्ट के फ्रंट की तरफ रखना है, या इन हिज डायरेक्शन ऑफ साइट, जहाँ वो देख रहा है या जिस जगह या जिस तरफ वो मनूवर कर रही है चीज़ या मूव कर रही है. इसी तरह मूविंग व्हीकल्स
के लिए लीड रूम देना अक्सर लोग भूल जाते हैं कि गाड़ी चल रही होती है, दे टेकिंग अ ड्रोन शॉट और उसकी रेयर की तरफ काफ़ी स्पेस छोड़ा होता है बनस्पत आगे की। तो जब भी मूविंग सब्जेक्ट स्पोर्ट्स शॉट्स आप ले रहे होते हैं, ट्राई टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट, और लीड रूम को आपने सब्जेक्ट के फ्रंट पे रखना है। तो दीज आर द टू रूल्स। फर्स्ट वॉज प्रॉपर हेड स्पेस जो आपने देनी है हेडरूम, ताकि आपकी शॉट में एर्गोनॉमिक और एस्थेटिक लुक आए। दूसरा, लीड रूम का ख्याल रखना है। वेयर एवर द सब्जेक्ट इज मूविंग, ट्राई टू पुश योर लीड रूम टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। दैट्स रियली गोना हेल्प यू गाइस मेक बेटर वीडियोस इन द फ्यूचर। वेल, दिस इज अली फ्रॉम AW Pixorega साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू इन अनदर वीडियो रियली सून। रेगुलराइज करने लगा हूँ चैनल को और कर भी रहा हूँ, पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट। असल में मैं एक दूसरी जॉब भी साथ कर रहा हूँ, विच इज चर्निंग अ लॉट ऑफ टाइम आउट ऑफ मी। ये थी एक और वीडियो। होप यू लर्न समथिंग गुड फ्रॉम दीज टू ट्रिप्स, टू टिप्स दैट आई गेव यू। जाइएगा कहीं मत। दिस वॉज इट फॉर टुडे। एंजॉय करें ये वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और stay tuned in the family of this channel. This is Ali from AW Pixorega signing off for now. See you in another video really soon. Bye bye.